साथियों में आप सभी से बताना चाहता हूँ कि हमने अपना एफिडेविट प्रस्तुत कर दिया है। जब मैं पिछली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति गण के समक्ष आया था तो उन्होंने मुझे एफिडेविट प्रस्तुत करने की बात कही थी और मुझे ये भी कहा था कि क्यों ना आपको सीलिंग ऑफिसर बना दिया। मैंने अपना एफिडेविट दाखिल कर दिया है और एफिडेविट में मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मॉनिटरिंग कमेटी न्यायिक रूप से अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है, पिक एंड चूज कर रही है, दिल्ली की जनता पे पिक एंड चूज के तहत अत्याचार कर रही है और अब सीलिंग ये सीलिंग उद्योग बन गया है। ट्रस्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के मॉनिटरिंग कमेटी पिछले 2006 से 2018 तक जिस त्रास और भय में दिल्ली को डाली है उससे पूरे दिल्ली के लोग भयभीत हैं। न्याय की सुनवाई नहीं हो रही है और अगर न्याय का कोई प्रश्न उठाता है तो 1,00,000 रुपए हमारे साथ वहां जा रहे थे उनको रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया। पता नहीं किस कारण से मुझे आज नहीं सुना गया, अगली डेट दे दी गई और मैं स्पष्ट रूप से लिख रहा हूं कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायमूर्ति गण का मैं हर बात मानने को तैयार हूं क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे सुंदर न्याय व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोग इसको जिस तरह से दिल्ली में उस न्याय व्यवस्था को कटघरे में लाने में लगे हुए हैं, मैं उनके विरोध में खड़ा हुआ हूं और मेरा माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस सील को हमने तोड़ा था ना तो उसके लिए कोई भी नोटिस दी गई थी और ना ही उसके सीलिंग का कोई ऑर्डर था। उसके बाद मेरा सवाल उठता है कि क्यों किया। अब मैं क्यों न कहूं कि मॉनिटरिंग कमेटी भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा रैकेट चला रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक खेल चल रहा है। हमने स्पष्ट रूप से अपने जो 1,000 जगहों की लिस्ट मांगी थी वो भी मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया। मैं अब उन कारणों में हमें अभी अपने बैठूंगा लोगों के साथ कि क्यों मेरी आज बात नहीं सुनी गई, आगे का डेट दे दिया गया। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं पूरे दिल्ली को थ्रू मीडिया कि मैं जो गरीब कमजोर जो लोग पीड़ित जिनके ऊपर सिर्फ अनलॉफुल का गलत छप्पा लगा करके उनको तकलीफ दी जा रही है मैं उन सबके लिए खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। मैं इन सारी बातों के साथ मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बड़ी विनम्रता से माननीय न्यायमूर्ति गण से मैं प्रार्थना करता हूं कि जब तक ये केस जब तक ये सारी अत्याचार लोगों के बीच हैं ये केस नहीं सुना जाता तब तक उन सारी चीजों पे रोक लगनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेंगे हम सर झुका करके उसको स्वीकार करेंगे। दोनों पास ले होने यार वहाँ पे लेके गिर क्या होना भैया ना पता लगा प्रेम प्रेम चौधरी का लाइन मेरे पास ना 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 किसका पास नहीं बनवा अब पास ज्यादा आगे आगे नंबर 5
जी नमस्ते भैया बना है अरे जान जगह बना दो ना भैया जाने दो भाई चलने दो बहुत पीछे जाना बाकी रुक जाओ।